नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के शीरोज कैफे में, क्योंकि जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था मैं यहां पर आऊंगी, क्योंकि आज यहां पर छपाक की पूरी टीम मौजूद थी। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह भी यहां पर आए हुए थे, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि 10 जनवरी को फिल्म आने वाली है छपाक, जो कि कहानी है एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की। ये केवल उन्हीं की कहानी नहीं बल्कि ऐसी कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स की कहानी है। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। चलिए आपको दिखाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। First of all, to come across such an inspiring, powerful story, and then at a personal level to follow it through and to be able to spend my day with Lakshmi and many other girls, I really couldn't have asked for anything more. The love is pure, it's honest, and I would not spend my day any other way. ये movie क्योंकि आज हम सब लोग एक साथ acid attack survivors के साथ में है और ये cause को जा रहा है ये movie, तो ये बहुत impactful होगी। और मुझे खुशी है जो लोग विक्टिमाइज होते हैं, जो आज भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो लोगों के दिमाग में तेजाब है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा और जो सर्वाइवर विक्टिमाइज हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें लगेगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी आगे बढ़ना। सर, ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है, ये तो जाहिर सी बात है, ये दोबारा बार बार कहना भी ठीक नहीं है कि दिल दुखता है। और उम्मीद ये है कि इस फिल्म के माध्यम से ये चर्चा शुरू हो और ये जो घिनौना अपराध है ये बंद हो, और उसके लिए आप सबकी सहायता की जरूरत है। पता था कि मुझे थीम सॉन्ग चाहिए एक फिल्म में, और गंधक जो लव्ज है वो बहुत अच्छी तरह से गाने में बैठता नहीं है। छपाक एक ऐसा लव्ज है जिससे हमको पानी की इमेजरी, क्योंकि स्प्लैश जो साउंड है वो छपाक लव्ज के मायने रखता है। मुझे ये लव्ज इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें अपने आप में एक लय है, एक रिदम है, इट्स पोएटिक, लेकिन जब वो लिक्विड एसिड बन जाता है तो उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। वो आयरनी मुझे बहुत ही पावरफुल लगी इस लव्ज में। तो शीरोज कैफे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और धूमधाम से यहाँ पर दीपिका पादुकोण का जो बर्थडे था वो सेलिब्रेशन यहाँ पे किया गया। छपाक की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो है उनके साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। रणवीर सिंह भी यहाँ पर इस मौके पर मौजूद थे, उसके साथ ही साथ लक्ष्मी अग्रवाल जो कि खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जिनकी कहानी है छपाक, वो भी यहाँ पर मौजूद थी और पूरी की पूरी टीम यहाँ पर थी। तो 10 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है छपाक। आप भी नज़दीकी सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाइए और आज की खबर को बताना ना भूलें कि आखिर आपको ये फिल्म कैसी लगी। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।